नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोगों लेके आया हूँ ओपन डाइस यानी कि खुला पासा का क्वेश्चन। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये खुला पासा आपको देख करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा पासा जो है दोस्तों एकदम इसकी तरह, अगर इसको खुला पासा को बंद पासा बनाएंगे तो एक्यूरेट सही आंसर होगा, यानी कौन सा पासा बनेगा। देखिए दोस्तों जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताया था दो सेकंड में करने के लिए उसी को अप्लाई करिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले क्या था कि यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पांच इधर आ गया, दो इधर आ गया दोस्तों। तो ये जो प्लेस है ना, इस लाइन से एक्स्ट्रा कोई एक निकला है या इधर निकला है, तो ये कहीं भी आ जा सकता है। यानी दो वाले को आप यहाँ पर कर सकते हैं या फिर पांच वाले को यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि दो वाले को यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका दो हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं कि दो के अपोजिट दोस्तों जब भी होगा वो क्या होगा, पांच होगा, यानी छह को छोड़ करके, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों तीन के अपोजिट जब भी होगा वो क्या होगा, चार होगा, एक को छोड़ करके, एक खाना छोड़ के जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरीके से जब भी एक का अपोजिट होगा वो होगा छह, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे और जो है मिलान करेंगे, यानी तीन का अपोजिट क्या बता रहा है, चार। उसके बाद दोस्तों एक का अपोजिट क्या बता रहा है, एक का अपोजिट जब भी होगा वो होगा छह। और दोस्तों आपका कौन सा बचा, अब बचा दो और पांच, यानी दो का अपोजिट जब भी होगा वो क्या होगा, पांच। अब दोस्तों मिलाइए, अब मिलिए दोस्तों कि इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, अगर दोनों है तो वो वाला पासा गलत हो जाएगा। यानी तीन और चार में से आपका एक रहना चाहिए, तो देखिए तीन या चार नहीं है इसमें दोस्तों, छह है और छह है तो दोस्तों एक नहीं रहना चाहिए, नहीं है। पांच और दो दोनों है, देखिए पांच और दो दोनों है तो ये आपका कभी भी पासा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे आता है तो तीन और चार, देखिए तीन और चार एक दूसरे के जो है अपोजिट है, ये दोनों नहीं होने चाहिए लेकिन है तीन और चार, देखिए तीन और चार दोनों एक साथ है, यानी ये भी आपका पासा सही नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर आते हैं तो दो, देखिए दो और पांच में से एक रहना चाहिए दो है, तीन और चार में से एक रहना चाहिए तो तीन है, एक और छह में से एक रहना चाहिए तो आपका एक है, यानी ये आपका पासा हो सकता है। आगे डी वाला देखते हैं तो छह और एक है, तो छह और एक दोस्तों देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी नहीं रहना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर जो पासा का एक्यूरेट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। एक चीज और सीख लीजिए दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा आंसर आता है या ऑप्शन में दिया रहता है, तो क्या करना होता है आपको, उसमें छांटना रहता है कि कौन सा सही होगा या कौन सा जो है पासा ज्यादा होने की संभावना है। तो देखिए एक साइड वाला जिसपे रहेगा ना, मतलब तीन एक दो, देखिए तीन एक दो ये एक साइड वाला है, तो इसके मान लीजिए कोई और भी मैच कर जाता है कि जिसमें एक एक करके है, तो वहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि एक साइड वाला इधर का भी हो सकता है इधर का भी हो सकता है, तो वहां पे आप उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा ट्रिक, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, आपके लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोज बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।